बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ ENG 501 का लेसन नंबर 23 डिस्कस करने जा रही हूँ। एज़ यूजुअल टॉपिक हमारा सेम वही कंटिन्यू है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 to 1650 पार्ट 3। अब इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा डिफेंस ऑफ बोरिंग कम्प्रोमाइज़। अब क्या होता है जी, क्योंकि कोई भी चीज़ कम्प्रोमाइज़ के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि किस तरह से ये डिफेंस किया गया बोरिंग पे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के बेसिकली हैं नहीं, वो क्या किए गए हैं, बोरो किए गए हैं। ड्राइडन असर्टेड आई ट्रेड बोथ विद द लिविंग एंड द डेड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ आर नेटिव टंग। कि ड्राइडन कहता है मैंने लिविंग और डेड टंग्स की जो है ना ट्रेडिंग की ताकि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट कर पाए। ही कंटिन्यूड वी हैव एनफ टू इन इंग्लैंड टू सप्लाई आवर नेसेसिटी, बट इफ़ वी विल हैव थिंग्स ऑफ मैग्निफिकेंस एंड स्प्लेंडर वी मस्ट गेट देम बाय कॉमर्स। कि वो कहता है हमारे पास इंग्लैंड में जो भी सप्लाई थी, जितनी ज़रूरत थी वो इनफ थी, लेकिन हमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो इसकी मैग्निफिकेंस और स्प्लेंडर में इसकी जो है ना मतलब आजाज में इसको बढ़ा सकती थी, तो वो हमें लाजमी जो है वो लेनी चाहिए। द इनोवेटर्स हैड प्रीसीडेंट ऑन देयर साइड, नॉट ओनली इंग्लिश बोरोड ऑल अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग लैटिन एंड ग्रीक डिड सो टू। कि ना सिर्फ इंग्लिश ही ने ये काम किया बल्कि बाकी लैंग्वेज में भी यही है इस तरह का ट्रेंड। द स्ट्रेंजनेस ऑफ द न्यू वर्ड्स दे आर गुड वुड सून वियर ऑफ, एज मलकेस्टर ऑब्जर्व वी मस्ट फर्स्ट बिकम एक्वेंटेड विद एनी न्यू थिंग एंड मेक द थिंग फेमिलर इफ इट सीम्स टू बी स्ट्रेंज। के स्ट्रेंजनेस तो है ना कि न्यू वर्ड्स जब इसमें ऐड किए जाते हैं या किसी भी लैंग्वेज से लिए जाते हैं, लेकिन मलकेस्टर ने यह ऑब्जर्व किया कि कोई भी चीज़ जिसको हम नहीं जानते हैं पहले तो वो हमारे लिए स्ट्रेंज ही होती है, फिर उसके बाद हम उसके साथ फेमिलर हो जाते हैं। अब बात ऊपर कंप्रोमाइज़ की हो रही थी, तो कंप्रोमाइज़ क्या था? द ऑपोजिशन टू इन कॉर्न टर्म्स वाज एट इट्स हाइट इन द मिडल ऑफ द 16th century। की ऑपोजिशन बढ़ गई एट द एंड ऑफ एलिजाबेथ्स रीजन। बोरिंग हैड गोन सो फार दैट इट रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अटैक ऑन बोरिंग ऑफ वर्ड्स। के इस रीजन में एलिजाबेथ्स के एरा में बोरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर उसके बाद इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। द अटैक वाज रादर डायरेक्टेड एट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसीजर देन एट द प्रोसीजर प्रोसीजर इट सेल्फ। द यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स कुड ईजीली बी ओवर डन। कि ये अटैक जो है ना डायरेक्टली ही था, ये नहीं था कि इनडायरेक्टली था, और इसमें कुछ वर्ड्स का जो गलत इस्तेमाल था उसकी वजह से ज़्यादा ये एक आप कह सकते हैं कि हवा बन गया। उसके बाद अनफेमिलियर जो वर्ड्स थे उनका यूज़ इजीली होने लग गया। तो नेक्स्ट आ जाता है एंथ्यूजिस्ट एंड द पेडेंट। इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम दीज परस्पेक्टिव्स क्रिटिसिज्म ऑफ रीजनेबल पीपल अपॉन द प्रैक्टिस। अब ये था कि देखें क्रिटिसिज्म कौन करता है जो उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है जिसको पता होगा। तो क्रिटिसिज्म उन पीपल्स ने किया जो उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे थे या जो उसको ट्राई कर रहे थे। स्वीपिंग टर्म्स इनकन्सिस्टेंट विद देयर ओन यूजेज। उसके बाद पुटेनम फॉर एग्जाम्पल वॉन्ट अगेंस्ट इन कॉन टर्म्स, दो द ही हिमसेल्फ एडमिट्स हैविंग टू यूज सम ऑफ देम। ही डिफेंड्स द वर्ड्स लाइक साइंटिफिक मेजर डेमो पोलिटीन, जिसको आजकल हम पोलिटिशियन पढ़ते हैं, कंडक्ट एंड अदर्स। कि इस तरह के वर्ड्स में ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गई। तो उसके बाद नो बॉडी कुड होली अवॉइड द यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स। ये नहीं था कि सब लोग ही उसको अवॉइड कर रहे थे। राइटर्स डिफर्ड इन एक्सटेंट, राइटर्स भी उसको एक्सटेंटली जो है ना वो डिफरेंट समझ रहे थे। सो द सेफेस्ट कोर्स वाज अ मिडल वन टू बोरो बट विदाउट टू मैनिफेस्ट इनसोलेंस एंड टू वांटन अफेक्शन। अब यही था कि उस टाइम आप समझ लें 50-50 था, कुछ लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो ये एक कंप्रोमाइजिंग ड्यूरेशन था। उसके बाद परमानेंट एडिशंस एंड अडेप्टेशंस, तो जाहिर सी बात है जब कुछ लोग कंप्रोमाइज़ कर चुके थे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया, तो परमानेंट एडिशन हो गए या वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली गई यानी कि अपना ली गई। द एग्जग्रेशन ऑफ अ क्रिटिक लाइक विल्सन, ही थॉट दैट मच ऑफ द एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स इन टू द लैंग्वेज वाज पेंडेंटिक एंड इल एडवाइज। कि ये विल्सन की थॉट थी कि जो कि इतनी सारी एफर्ट की गई है न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने की, ये एक इल एडवाइज थी, ये गलत फैसला था। सम ऑफ द वर्ड्स विल्सन रेडिक्यूल सीम फोर्स बट इट वुड बी अ मिस्टेक टू कंक्लूड ऑल और इवन अ लार्ज पार्ट ऑफ द एडिशन। के इसके अकॉर्डिंग ये था कि कुछ वर्ड्स तो चलें एक किसी भी तरीके से हमने ऐड कर लिए, एक मज़ाक़ा खेज बात हो गई, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स का एडिशन जो है ना उसने कहा कि ये रॉन्ग है। मैनी ऑफ देम आर इन सच कॉमन यूज टूडे, इट्स हार्ड टू रियलाइज दैट टू द एलिजाबेथन दे बोरोड वर्ड्स वर स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट। अब उसमें से कई वर्ड्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इलियट फॉर इंस्टेंस नीडिड अ सिंगल वर्ड
फॉर ऑल मैनर ऑफ लर्निंग सम कॉल्स इट द वर्ड ऑफ साइंस अदर्स द सर्कल ऑफ डॉक्ट्राइन बट द वन वर्ड सोल्यूशन केम फ्रॉम ग्रीक दैट इज इंसाइक्लोपीडिया. के अब हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से उसको दिया. जैसे इलियट ने कहा कि ये ऑल मैनर ऑफ लर्निंग है, उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा ये वर्ड ऑफ साइंस है, कुछ लोगों ने कहा सर्कल ऑफ डॉक्ट्राइन है, लेकिन जो एक वन वर्ड सोल्यूशन इसके बारे में दिया गया ये ग्रीक से लिया गया, इसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया. द वर्ड्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एट दिस टाइम वर ऑफन बेसिक वर्ड्स नाउन्स एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, ज़्यादातर यही हैं. उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नाउन की बात कर लें तो आपको बाय डेफिनेशन तो नाउन का पता है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नेम है. एलूरमेंट, एलूजंस, एनक्रोनिज्म, एटमॉस्फेयर, ऑटोग्राफ, कैप्सूल, डीन्यूसेशन, डेक्सट्रिटी, डिसेबिलिटी, डिसरिस्पेक्ट, एक्सिक्यूशन, एक्सपेक्टेशन, ज्यूरिसप्रूडेंस एट्सेट्रा. अब ये वो वर्ड्स थे जो कि अडॉप्ट किए गए. नेक्स्ट है अमंग एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स में ये आ जाता है एजाइल, अप्रोप्रिएट, कॉन्स्पिशियस, डेक्स्ट्रस, एक्सपेंसिव, एक्सटर्नल, हैबिचुअल, हैबिटरी, ये सारे जो है ना इस तरह के वर्ड्स एडजेक्टिव्स में से आ जाते हैं. कुछ वर्ड्स वर्ब्स हैं अडैप्ट, एलियंट, असिस्टेंस, बेनिफिट, कंसोलिडेट, डिसरिगार्ड, ये सारे जो है ना वो वर्ब्स में से आ जाते हैं. इस तरह के और भी काफ़ी सारे. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्रॉम लैटिन. इनमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लैटिन से हैं. दो सम आर ग्रीक फ्रॉम वेयर दे वर अडॉप्टेड अर्लियर इनटू लैटिन. इवन कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो ग्रीक के थे जो लैटिन ने अडॉप्ट किया, लैटिन के बाद इंग्लिश ने अडॉप्ट कर लिए. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. इसमें आ जाता है जी एनार्कोनिज्म, एटमॉस्फेयर, ऑटोग्राफ, उसके बाद एंटीपैथी, एंटीथीसिस, कॉज, क्रोनोलॉजी, क्लाइमैक्स, क्राइसिस, क्रिटिक. ये अब जो है ना ये वो वाले हैं जो के लैटिन ने ग्रीक से अडॉप्ट किए तो फिर उसके बाद लैटिन से आगे इंग्लिश ने अडॉप्ट कर लिए. इनमें से कोई एग्जांपल भी आ सकती है एमसीक्यूज़ में, इनको आपने एक दफ़ा देख जरूर लेना है. रूट ऑफ एंट्री ऑफ वर्ड्स. अब एंट्री ऑफ वर्ड का क्या एक रूट था, क्या कौन से इसका पाथवे था, तो ग्रीक वर्ड्स केम इन टू इंग्लिश थ्रू लैटिन ऑफ फ्रेंच. तो लैटिन या फ्रेंच से जो है ना ये ग्रीक वर्ड्स भी इंग्लिश में आए. बट इन द रिनेंस द रीन्यूड स्टडी ऑफ ग्रीक लेड टू डायरेक्ट इंट्रोडक्शन. लेकिन अकॉर्डिंग टू रेनेंस पीरियड जो है ना ये कुछ वर्ड्स ऐसे डायरेक्टली भी आए थे जैसे एनोनिमस है, क्रिटेरियन है, इंडियोसिंक्रेसी है, लेक्सिकॉन है, टेंटोलाइज है, ये डायरेक्टली आए थर्मोमीटर एंड टॉनिक. अब अडेप्टेशन किस तरह से हुई. सम वर्ड्स इन एंट्रिंग इन लैंग्वेज द लैंग्वेज रिटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म. कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो ओरिजिनल फॉर्म में रहे, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जैसे ये एग्जांपल दी हुई क्लाइमैक्स, अपेंडिक्स, एपिटोम, एक्सटीरियर वगैरह. अब कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनको थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर दी गई अडेप्टेशन थ्रू कटिंग ऑफ द लैटिन एंडिंग. फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्जेक्चुरल था तो ये कॉन्जेक्चुरलिज से निकला था. कंसल्ट है तो ये कंसल्ट और इस तरह से कुछ जो है ना एग्जांपल मतलब के वर्ड में कुछ तब्दीलियां करके उसको अडॉप्ट कर लिया गया. तो इसके बारे में इतना ही इनफ रहेगा. बाकी आप ओवरऑल ये एंड वाली जो है ना ये लाइन जरूर रीड कर लीजिएगा. ओवरऑल वी कैन से दैट एडिशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टुक प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस आइदर बाय डायरेक्टली एडिंग वर्ड्स और बाय अडॉप्टिंग एंड मॉडिफाइंग देम. कि एडिशन्स तो हुए ही हुए हैं, सम टाइम वो परमानेंटली बेसिस पे वैसे ही कर दिए गए, खुद से ही वर्ड्स ऐड कर दिए गए. सम वर्ड्स इस तरह के हैं जिनको कुछ अडॉप्ट करके कुछ मॉडिफाई करके फिर उसको कर दिया गया. नेक्स्ट आ जाता है गिविंग न्यू मीनिंग्स. अब कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जो बोरो करके उनको न्यू मीनिंग्स भी दे दिए गए. इफ़ वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी रियलाइज दैट वर्ड्स वर बोरोड मोर देन वंस. लैटिन वर्ड्स एपिस्कोपियस एंड डिस्कस इन ओल्ड इंग्लिश एज बायशॉप एंड डिश एंड वर अगेन बोरोड लेटर टू मेक आवर वर्ड्स एपिस्कोपल एंड डिस्क आल्सो डाइस या डेस्क भी इसको बोलते हैं. तो यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जब ये वर्ड लिए गए थे तो उसके मीनिंग और थे, अब उसके बाद जब इसको मॉडर्न इंग्लिश में लिया गया तो इसके मीनिंग और हो गए, यानी कि चेंज कर दिया गया. अब इसमें परमानेंट एडिशंस की अडेप्टेशंस क्या थी, तो इन सेम वे कॉस, मेलिग्निटी वर अपेरेंटली रीइंट्रोड्यूस्ड इन द 16th सेंचुरी, इनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करवाया गया. इंटेलिजेंस इज यूज्ड वंस इन गोवर एंड ओकेनली इन द 15th सेंचुरी इन द गवर्नर इलियट. इंटेलिजेंस क्या है, इज नाउ यूज फॉर एन एलिगेंट वर्ड वेयर देर इज म्यूचुअल ट्रीटीज और अपॉइंटमेंट्स आइदर बाय लेटर्स और मैसेज. अब ये वर्ड जो है ना पहले इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसके बाद इसका मीनिंग जो है ना वो कुछ चेंज कर दिया गया है. तो नेक्स्ट वेन सेकेंड टाइम इसको कैसे यूज़ किया जाता, मीनिंग इसका क्या होगा, कैरी सेम और डिफरेंट मीनिंग, बोथ दी ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़ आर इक्वली सिग्निफिकेंस. सम टाइम आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ के अतबार से कुछ मीनिंग और दे रहे होते हैं और कुछ जो है ना वो किसी अदर पैराग्राफ में वो कुछ मीनिंग और दे रहे होते हैं. इसमें से ये आपने एमसीक्यू के लिए जेहन में रखना है. वर्ड फेस्टिडियस इन 1440 मीन्ड प्राउड स्कॉर्नफुल. आ सेंचुरी लेटर इट वॉज यूज इन मोर यूजल लैटिन सेंस ऑफ डिस्टेस्टफुल
डिसगस्टिंग के इसको पहले तो देखो टोटली इसको उलट कर दिया गया। पहले इसको प्राउड के लिए यूज़ किया जाता था, उसके बाद किसके लिए? डिस्टेस्टफुल के लिए, नापसंदीदा के अतबार से आ गया। उसके बाद हाउ एवर इट्स मॉडर्न मीनिंग इज़ हार्ड टू प्लीज, यानी कि फसी एट्सेट्रा, ये मॉडर्न मीनिंग में ये टोटली जो है ना वो ऑपोजिट हो गया। 64 यूजेज द वर्ड्स आर्टिफिशियल डिक्लाइनेशन हेमिसफेयर इन ऑस्ट्रोनॉमिकल सेंसेस, बट देयर प्रेजेंट यूज इज ड्यू टू द 16th सेंचुरी। द वर्ड ऑब्जेक्ट वॉज फाउंड अर्लियर इन द सेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, आप एक दो इसमें से कर लें रेडी, ठीक है, नहीं तो बस जितना मैंने हाईलाइट कर दिया इतना इनफ है। उसके बाद री एनफोर्समेंट थ्रो फ्रेंच है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू से वेदर अ वर्ड इज़ डायरेक्टली फ्रॉम लैटिन और केम इनडायरेक्टली थ्रो फ्रेंच। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस तरह से कॉन्फिडेंटली कह लें कि कौन सा वर्ड डायरेक्टली लैटिन से आया है या कौन सा जो है ना वो फ्रेंच से इनडायरेक्टली आया है, क्योंकि अब ये चीज़ें जो है ना वो हम तक जिस तरह से पहुँची हैं टोटली जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं। कुछ हमने अभी पढ़ा, एडेप्टेशंस हो गई, कुछ कटिंग हो गई, इस तरह से कुछ जो है ना इसमें तब्दीलियाँ हैं। रीज़न फॉर दिस अनसर्टेनिटी is that a wholesale enrichment was going on simultaneously in French, कि इसकी वजह क्या है इस uncertainty की, इस गैर यकीनियत की, कि जो ये change आया था वो simultaneously एक अचानक से जो है ना वो change आ गया। The same words were being introduced in both language, often the two streams of influence merged, के दो streams को merge कर दिया गया, but of course first hand borrowing happened, word fact represents the Latin factum and not the French fact, कि ये बात क्लियर है कि दोनों ही जो है ना मतलब कि इसको फ्रेंच को लैटिन में भी लाया गया, इंग्लिश में भी लाया गया, विच वाज टेकन इनटू इंग्लिश अर्लियर एज फीट। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जैसे लैटिन में ये था फैक्टम, उसके बाद फ्रेंच में ये हो गया वर्ड फैट, और इंग्लिश में इसको फीट जो है ना वो पढ़ा जाता है वर्ब्स। यहाँ पर भी आप इसको इतना ही रीड करें, उसके बाद आगे इसको मज़ीद कन्फ्यूजन में ना आप ऐड करें। नेक्स्ट, इन मैनी केसेज फ्रेंच मे हैव ऑफर्ड अ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लैटिन वर्ड्स इन टू इंग्लिश एंड मे हैव असिस्टेड इन देयर जनरल अडोप्शन। कई केसेज में जो फ्रेंच लैंग है वो ऑफर करती है कि लैटिन के कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उसमें कुछ अडोप्टेशन की जाएँ। उसके बाद परमानेंट एडिशन एंड अडेप्शन है। अब इसमें लैटिन की किस तरह से, फ्रेंच की किस तरह से, तो 16th सेंचुरी प्यूरिसिस ऑब्जेक्ट्स टू थ्री क्लासेस ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स, तो इसमें 16th सेंचुरी में जो है ना वो तीन क्लासेस ऑफ वर्ड्स हो गई। ये टर्म हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इन कॉन टर्म्स हैं, ओवरसी लैंग्वेज हैं और चौसरिज्म है। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको ज़हन में रखना है। नेक्स्ट, फॉरेन बोरिंग्स इन दिस पीरियड वर बाय नो मीन्स कन्फाइंड टू लर्न वर्ड्स टेकन फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। इंग्लिश वोकैबुलरी एट दिस टाइम वाज बोरिंग फ्रॉम मोर देन 50 लैंग्वेज, के इस टाइम पे इंग्लिश में मोर देन 50 लैंग्वेज के जो है ना वो वर्ड्स ऐड हैं जो बोरो किए गए, उसमें से एक मेजर जो है वो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर रेडी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप बस उसको उतना ही रेडी करें। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम स्पेनिश एंड पुर्तगीज़ इंग्लिश अडॉप्टेड। अब कुछ वर्ड स्पेनिश और पुर्तगीज़ से भी आए हैं, वो कौन से हैं? एलिगेटर है, एप्रिकॉट है, बनाना है, कॉरल है, हेमॉक है, ह्यूरिकेन है, माइज है, मॉस्किटो, मिलेटो, नेग्रो, पेसिडिलो, पोटैटो, रस्क, टोबैको एंड यॉम। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि स्पेनिश और पुर्तगीज़ से आए। द रीजंस क्या हैं दैट प्रमोट इट ऑल इंक्लूडेड, इसमें आ जाता है कॉस्मोपोलिटन, टेंडेंसी है, स्पिरिट ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर है, इंटरेस्ट इन द न्यू वर्ड है, इसके कुछ इस तरह के फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 24 डिस्कस करेंगे, ये भी उसका पार्ट 4 ही है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको जल्द अज जल्द कम्प्लीट कर दूँ ताकि आपका फाइनल टर्म का सारा लेसन प्रिपेयर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर।